हेलो सीबीएसई स्टूडेंट्स, आजकल सीबीएसई स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही डाउट चल रहा है कि उनके सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे। तरह तरह के सोर्सेज से तरह तरह की न्यूज़ आ रही है, डेली नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, किसी भी सोर्स पे विश्वास करना मुश्किल है और कन्फ्यूजन जो है डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे ही होंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है सीबीएसई के पास। कुछ कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट होना बहुत मुश्किल है, सीबीएसई एग्ज़ाम पोस्टपोन करेगी। और पिछले 2-4 दिनों में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है या सीबीएसई एग्ज़ाम कैंसिल करेगी, चांसेस किसके ज़्यादा हैं। ये बात मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। मेरा नाम है तरुण, आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपके सारे डाउट्स मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। पहले हम जान लेते हैं पिछले कुछ दिनों में और आज भी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं सीबीएसई की तरफ से भी। कुछ जो सोशलिस्ट हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ सीबीएसई स्कूल्स है, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी डाली है, उन सारे डिटेल्स को पहले हम जान लेते हैं। और जिस तरह का माहौल है आज के टाइम पर, जिस तरह के कोरोना कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है कि बिना वैक्सीन लगाए एक आदमी आज बाहर जाने में डर लगता है उसको, चाहे वो 18 से 45 ईयर्स की एज का है, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों के लिए कितना डर है। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहला जो मैं आपको स्टेप शुरुआत करने वाला हूँ कि बात कहाँ से शुरू हुई। कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर की कि भाई इस माहौल में फिजिकल एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं और एग्जाम कंडक्ट ना किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई कुछ पेरेंट्स की तरफ से, कुछ टीचर्स की तरफ से। अब हुआ क्या है कि कोई टीचर है केरला का, ठीक है, जोसेफ नाम है उसका, टॉमी जोसेफ करके कुछ नाम है, टॉनी जोसेफ। तो वो टीचर महाशय, उन्होंने क्या किया, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लेकर के कि आप ये जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन को करने की जो बात चल रही है, क्लास 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने हैं वो किसी भी कीमत पे कैंसिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने से उन स्टूडेंट्स का एक नुकसान हो जाएगा जिन्होंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है, और उन स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। केरला के एक टीचर हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उन्होंने पीआईएल डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि एग्ज़ाम होने ही चाहिए, ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होने चाहिए। टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं सुपर स्प्रेड बन सकते हैं कोरोना के। अब आता है नया ट्विस्ट जो कि ज़्यादा सीरियस बात है, ठीक है। ये ज़्यादा सीरियस बात कैसे है कि नेशनल काउंसिल ऑफ सीबीएसई स्कूल, सीबीएसई के अंडर जितने भी स्कूल्स आते हैं पूरे नेशन में, उनकी एक काउंसिल है। उस नेशनल काउंसिल ने हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनसे ये कहा है कि भाई एग्ज़ाम आपको कंडक्ट करवाने ही होंगे। अब क्यों कंडक्ट करवाने होंगे ये बाद का मैटर है, लेकिन इन्होंने जो अपना रीज़न दिया है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए नेशनल काउंसिल और सीबीएसई स्कूल्स ने, इन्होंने कहा है रमेश पोखरियाल निशंक जी को कि आप किसी भी कीमत पे कैसे भी करके, चाहे भले ही लेट हो जाए, कोरोना की सिचुएशन जब डाउन हो जाए, कोविड-19 की सिचुएशन जब पीक जो है हम निकल चुके हों, उसके बाद आप एग्ज़ाम करवाएं, लेकिन क्लास 12 के एग्ज़ाम होने चाहिए। इसके पीछे इन्होंने लॉजिक ये दिया है कि क्लास 12 जो है आने वाली क्लासेस के लिए बेसिस होता है, जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या जो दूसरे एडमिशन्स लेने होते हैं स्टूडेंट्स को, वो क्लास 12 के बेसिस पर ही लेते हैं। लेकिन आप खुद भी समझदार हैं कि स्कूलों का काउंसिल क्या सिर्फ इसी बात को लेकर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा होगा कि केवल जो है कि केवल बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड मैटर है या उनकी स्टडी से या एजुकेशन से रिलेटेड मैटर है। हो सकता है स्कूल्स का इस बारे में कुछ और भी मैटर हो, मैं उस चीज़ पे कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। अब बात आती है कि भाई इस समय जो कंडीशन है कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर के, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने एज 18 से लेकर के और 45 तक की एज के लोगों का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। 45 से पहले जो ऊपर के लोग थे उनका पहले ही स्टार्ट हो चुका है।
आज हमारे देश में वैक्सीन की कमी है, 18 से 45 एज के जो ग्रुप के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे स्टेट्स ने वैक्सीनेशन बंद कर दिया है या उनके पास बहुत कम वैक्सीन है, और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम अपनी जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है वो दिसंबर तक पूरी कर पाएंगे। अब जब वो अपनी रिक्वायरमेंट दिसंबर तक पूरी कर पाएंगे, अभी तक, और एक और बात इस पे आपको ध्यान देनी है कि अभी तक हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स के वैक्सीनेशन की परमिशन नहीं मिली है, चिल्ड्रंस के वैक्सीनेशन की परमिशन अभी तक नहीं मिली है, उस पे काम चल रहा है। ठीक है, अगर परमिशन मिल भी जाती है देन वी डू नॉट हैव वैक्सीन, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो कोरोना की सिचुएशन और वैक्सीनेशन, अब आप खुद सोचिए कि जो इंसान 18 से 45 एज का है, 18 से 45 की एज का जो इंसान है, अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो बाहर जाने में सोचता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा मैं इन्फेक्टेड हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा। ऐसे में बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के एग्ज़ाम सेंटर पे भेजना क्या सेफ है? क्या पेरेंट्स उनको एग्ज़ाम सेंटर पे भेज पाएंगे? जब तक उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा उनको वैक्सीन नहीं लगेगी स्टूडेंट्स को, और अगर एक भी स्टूडेंट को उन एग्ज़ाम्स की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, किसी स्टूडेंट्स की के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो क्या CBSE या एजुकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है इंडिया का वो जवाब दे पाएगा? अब इन सब के बीच में मेन रोल आता है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का। एजुकेशन मिनिस्टर कर क्या रहे हैं? मीटिंग पे मीटिंग होल्ड की जा रही हैं, ठीक है, वो सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई कुछ लोग उन पर प्रेशर बना रहे हैं, जो स्कूल काउंसिल है, CBSE स्कूल्स की जो काउंसिल है, स्कूलों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें एक लॉबी होती है, वो प्रेशर बना रही है कि भाई आपने एग्ज़ाम करवाने ही करवाने हैं कंडक्ट, जबकि पेरेंट्स और टीचर ये चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो क्योंकि स्टूडेंट्स की हेल्थ का सवाल है। अब ये जो महाशय हैं, टीचर हैं, कुछ लोग सोशलिस्ट बन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होने ही चाहिए क्योंकि इससे भविष्य खराब हो जाएगा या फिर उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की होगी और CBSE जो इस मार्किंग स्कीम लेके आएगी उससे उनको तकलीफ़ हो सकती है, बट जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है बेटा इस समय। इफ़ यू हैव लाइफ देन एनी क्राइटेरिया विल सूट यू, अगर आपकी ज़िंदगी है तो कोई भी क्राइटेरिया आपको सूट करेगा, अगर जान से ही हाथ धो बैठोगे तो कोई भी क्राइटेरिया आपको सूट करने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो CBSE का क्राइटेरिया क्या हो सकता है? देखिए, मेरा ये ओपिनियन है कि इस माहौल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है CBSE के लिए बिल्कुल भी। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1 जून को कहा है CBSE ने कि सिचुएशन रिव्यू की जाएगी, 1 जून को सिचुएशन रिव्यू करेगी, और 1 जून में अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, हार्डली 9 डेज आर देयर। तो अब क्या होगा कि 1 जून को सिचुएशन रिव्यू होगी, 1 जून तक आपको भी पता है कि ऐसा तो नहीं कि कोरोना वायरस जो है COVID-19 इंडिया से चला जाएगा 1 जून को, भाई बस ये हो सकता है पॉजिटिविटी रेट कम हो सकती है, केसेस कम हो सकते हैं। अब एक नई बीमारी और आ गई है ब्लैक फंगस, तो ब्लैक फंगस का और अब उसको भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स, तो 1 जून को सिचुएशन देखेंगे। सिचुएशन देख के बहुत सारे स्टेट्स में तो अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, 1 जून को देखेंगे कि लॉकडाउन खोलना है या नहीं खोलना है। जब आप शॉप्स नहीं खोल पा रहे हो, जब आप मार्केट नहीं खोल पा रहे हो, तो क्या आप स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर पे भेज पाएंगे, और वो भी जुलाई में? यहाँ पर बात हो रही है जुलाई की, क्योंकि अगर जुलाई से लेट किए गए एग्ज़ाम अगस्त सितंबर, तो आने वाले जो एडमिशन्स हैं ग्रेजुएशन में, वो सारे एडमिशन्स की जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि CBSE फिजिकली एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएगी। अब वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाती है या कैंसिल करती है, और कैंसिल करने के बाद CBSE के पास ऑप्शंस हैं, वो क्लास 10th के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके बेसिस पर मार्क्स लगा सकती है, प्लस जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो चुके हैं उनके बेसिस पे मार्क्स लगाए जा सकते हैं, और साथ साथ कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम भी CBSE कंडक्ट करवा सकती है। देर आर सो मैनी ऑप्शंस, बट फिजिकली स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर तक बुलाना और एग्ज़ाम लेना, दैट इज़ नॉट सेफ, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो मेरा तो ओपिनियन यही है, कैंसिल CBSE बोर्ड एग्जाम 2021, नो वैक्सीन नो एग्जाम्स। हम सब इस पे ट्वीट करेंगे, मेरा ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं, आपके सामने आ रहा होगा ट्विटर पे, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको टेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, जितना हो सके वायरल करिए इस हैशटैग को, इस मैसेज को, इस वीडियो को, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें, और स्टूडेंट्स की सेफ्टी फर्स्ट है, समझ में आ रही बात,
उसको सब तक ये मैसेज हम सब तक डिलीवर कर सके कि सेफ्टी इज फर्स्ट, एग्जाम भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन उसका एक ही तरीका नहीं है कि हम एग्जाम सेंटर्स पर जाकर ही एग्जाम दें। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।